गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं डाउन सिंड्रोम। तो देखते हैं डाउन सिंड्रोम क्या है। डाउन सिंड्रोम को दूसरे नाम से जाना जाता है, मंगोलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। अब डाउन सिंड्रोम की खोज जो है लैंगडॉन डाउन ने 1866 में किया था। अब इस सिंड्रोम में क्या होता है इसको थोड़ा देखते हैं। तो सिंड्रोम मतलब ही होता है लक्षणों का समूह या ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, लक्षणों के समूह को ही सिंड्रोम कहते हैं। अब इसकी खोज तो क्लियर हो गया, लैंगडॉन डाउन ने 1866 में किया था। इसमें होता क्या है, इसमें 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होता है, 21वीं जोड़ी गुणसूत्र होता है वह दो के बजाय तीन हो जाता है। इस सिंड्रोम में क्या होता है, 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वह दो के बजाय तीन हो जाता है, जिससे कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। क्योंकि मानव में टोटल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो यह जो है इस सिंड्रोम से जो ग्रसित व्यक्ति होगा उसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या टोटल 47 हो जाती है, क्योंकि 21वीं जोड़ी में दो गुणसूत्र होने चाहिए लेकिन हो जाता है तीन, जिससे कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 हो जाती है। तो इसका कारण क्या है, जरा इसको हम लोग देखते हैं कि इसका वजह क्या है, कि ऐसा क्यों होता है कि कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 हो जाती है। तो हम लोग जानते हैं 47 हो जाती है। अब जानते हैं कि नर है और मादा, मादा यानी फीमेल और मेल। अब इसमें देखते हैं कि मादा में 44 ऑटोसोम्स होते हैं, जिसको हम लोग ए से लिखते हैं, इसको हम लोग दैहिक गुणसूत्र या ऑटोसोम्स कहते हैं, और एक जोड़ी जो है लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स होता है। जबकि पुरुषों में, नर में यानी मेल में 44 ऑटोसोम्स होते हैं और इसके साथ दो लिंग गुणसूत्र होता है एक्स और वाई। तो 44 ये ऑटोसोम्स और दो लिंग गुणसूत्र मिलकर के 46 हो गए, और ये सामान्य मादा की बात हो रही है। और सामान्य नर अगर है तो उसमें 44 ऑटोसोम और एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होकर के इसमें भी कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है। ये सामान्य मादा है और ये सामान्य नर है, इनमें कोई समस्या नहीं। लेकिन मादा में जब ओजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, ओजेनेसिस यानी अंड जन्म की प्रक्रिया होती है, अंड जन्म की प्रक्रिया के द्वारा ही मादा में अंडा बनता है, जिसको ओभम भी कहते हैं। अब जब ओजेनेसिस की प्रक्रिया होती है तो इस यह जो है ऑटोसोम्स अलग होकर के क्या करता है कि इसमें 23 गुणसूत्र अलग हो जाते हैं, और वो अंडा जो बनता है, अंडे में कुल गुणसूत्रों की संख्या अगर सामान्य है तो 23 गुणसूत्र होते हैं। अब अंडा में 23 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 गुणसूत्र ऑटोसोम्स के होते हैं और एक लिंग गुणसूत्र का होता है। तो अंडे में गुणसूत्र जो है कुल 23 होते हैं, जिसमें 22 जो है गुणसूत्र क्या होगा, ऑटोसोम्स के होंगे, और एक जो है लिंग गुणसूत्र होता है यक्स। अब जब अंड जन्म की प्रक्रिया में कभी कभी ऐसा होता है कि 21वां जो गुणसूत्र होता है वह जो है अलग न हो पाता है, और जब 21वां गुणसूत्र अलग नहीं हो पाता है तो ये मादा स्त्रियों में जो अंडा जो बनता है उसमें 23 गुणसूत्र के बजाय 24 गुणसूत्र हो जाते हैं अंडे के अंदर। अब अंडे के अंदर कब 24 गुणसूत्र हो गए, जब 21वां गुणसूत्र अंड जन्म की प्रक्रिया के दौरान अलग नहीं हुआ। अब नियमतः तो इसमें जो है क्या हो, जब अंड जन्म की प्रक्रिया होती है तो आधा हो जाता है क्रोमोसोम, क्योंकि हम लोगों को जो माता से गुणसूत्र मिलते हैं वो 23 और पिता से जो गुणसूत्र मिलते हैं वो भी 23 होते हैं। सामान्य व्यक्ति की बात चल रही है, तो सामान्य अगर बच्चा पैदा होता है तो उसमें 23 गुणसूत्र माता से और 23 गुणसूत्र पिता से मिलते हैं। लेकिन जब कभी कभी ऐसा हुआ कि जब अंड जन्म की प्रक्रिया हुई तो मादा में जो है 21वां गुणसूत्र अलग नहीं हो पाया, और जब 21वां गुणसूत्र अलग नहीं हो पाता है तो वही मादा में गुणसूत्रों की संख्या 24 हो जाती है। अब ये 24 गुणसूत्र ये माता से मिल गया और पिता से 23 गुणसूत्र मिलता है,
तो कुल बच्चे में गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है 47। अब 47 हो गई तो वह बच्चा जो है डाउन सिंड्रोम से ग्रसित हो जाता है, क्योंकि अब यहां पर 21वां जोड़ी जो गुणसूत्र है, 21वां जोड़ी जो गुणसूत्र है उसमें दो के बजाय तीन गुणसूत्र हो गए हैं। नियमतः 21वां जोड़ी गुणसूत्र दो ही होने चाहिए था, लेकिन 21वीं जोड़ी में क्या हो गया, तीन गुणसूत्र हो गए, और इसीलिए कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 की बजाय 47 हो गई। अब ये 47 हो जाने से बच्चे में कौन सा सिंड्रोम आ गया, डाउन सिंड्रोम। तो हम लोग क्लियर कर लिए कि डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है। अब इसको हम लोग सिंपल भाषा में समझ लेते हैं कि डाउन सिंड्रोम में 21वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है, 21वां जोड़ी गुणसूत्र वह जो है दो के बजाय तीन हो जाता है। अब जब 21वां जोड़ी गुणसूत्र दो के बजाय तीन हो जाता है तो उस बच्चे में कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, और 47 गुणसूत्र से जब वो बच्चा पैदा होता है तो वही बच्चा जो है डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होता है। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं डाउन सिंड्रोम में क्या लक्षण होते हैं। तो डाउन सिंड्रोम हम लोग क्लियर कर लिए कि इसमें जो है क्या है, 21वां जोड़ी गुणसूत्र जो है क्या हो जाता है, 21वां जोड़ी गुणसूत्र जो होता है वो दो के बजाय कितना हो जाता है, तीन हो जाता है। दो के बजाय तीन हो जाता है, इससे कुल गुणसूत्र 47 हो जाते हैं। अब ये चूंकि 21वां जोड़ी गुणसूत्र जो है वो ऑटोसोम कहलाता है, तो यह जो डाउन सिंड्रोम है वो ऑटोसोम्स में होने वाला रोग है, क्योंकि 21वां जोड़ी गुणसूत्र वो ऑटोसोम्स है, लिंग गुणसूत्र के अंतर्गत नहीं होता है, तो इसीलिए इसको मान कहते हैं कि ये ऑटोसोम से होने वाला रोग है, मतलब ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। अब इसमें लक्षण क्या होते हैं, लक्षण अब ऑटोसोम में होने वाला डिसऑर्डर है तो ये मेल फीमेल दोनों को हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये मेल में या फीमेल में, क्योंकि 21 लिंग गुणसूत्र तो 46वां जोड़ा होता है, 46वां और जो है 45वां गुणसूत्र होता है, तो इसीलिए यह जो है मेल फीमेल दोनों में यह डिसऑर्डर होता है, मतलब डाउन सिंड्रोम मेल फीमेल दोनों में होता है। अब इसका लक्षण क्या है, इस लक्षण से ग्रसित जो बालक है या जो बच्चा है या जो व्यक्ति है वह उसका कद क्या होता है, छोटा होता है, सिर उसकी क्या होती है, गोल होती है, गर्दन मोटी होती है, त्वचा खुरदरी होती है, और उसकी जीभ भी क्या होती है, मोटी होती है। जीभ मोटी होती है तो मुंह, जीभ मोटी होने की वजह से जीभ क्या होता है, खुला रहता है। अंगुलियां उसका मुख जो है क्या होता है, खुला रहता है। अंगुलियां जो है ठूंठदार होती है, अंगुलियां जैसे ऐसे कुछ ये इस तरह से उंगलियां उसकी ठूंठदार होती हैं, और आंखें जो है तिरछी होती हैं, और पलके मंगोलों की भांति मुड़ी होती हैं, फोल्डेड होती हैं। तो इस सिंड्रोम से जो ग्रसित बालक रहेगा उसकी पलके जो होती हैं वो क्या होगा कि मंगोलों की भांति जो है मुड़ी होती है, ललाट जो है चौड़ा होता है, और इस सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे जो होते हैं वो मंद बुद्धि के होते हैं। मंद बुद्धि मतलब होता है कि उनका IQ लेवल कम होता है। प्रायः जो है इस सिंड्रोम से ग्रसित बच्चों की 16 से 17 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है। इनमें लगभग 8% ही बच्चे ऐसे होते हैं जो 40 वर्ष तक जीवित रहते हैं।